we were doing about some data network need, jo needs that were why network is needed, that we were discussing about. Now we are doing our advantage of a network. तो जो नेटवर्क होता है उसकी मेन जो एडवांटेजेस होती हैं उसमें ये हैं, एक तो है शेयरिंग सोर्स है, यानी कि इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा. कंप्यूटर नेटवर्क नॉट ओनली प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन बट आल्सो फर्दर सोर्सेज. सोर्सेज कैन बी हार्डवेयर सोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड हार्ड डिस्क, और सॉफ्टवेयर सोर्सेज लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क an expensive laser printer can be shared among various employees in a department of company instead of giving each employee a separate laser printer. Similarly, software sources like accounting software can be shared among users. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क, आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, देर आर इन द ऑफिस देर आर सो मैनी कंप्यूटर्स, तो उनको अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऑफिस में एक ही अगर लेज़र प्रिंटर होगा तो सभी अपना अलग से उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं. और बाकी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बैंक की जो कोई बैंकिंग का अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो एक में होगा, वो आप उसमें आप शेयर कर सकते हैं. कॉस्ट रिडक्शन, जो रिसोर्सेज आप शेयर करोगे तो उससे आपकी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी. कॉस्ट ऑफ सोर्सेज इज शेयर्ड. फॉर एग्जांपल, मल्टीपल इंडिविजुअल लाइसेंस्ड कॉपीज ऑफ ए पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी कॉस्टली. जो लाइसेंस्ड कॉपीज हैं किसी पॉपुलर सॉफ्टवेयर की वो कॉस्टली हो सकती हैं. नेटवर्क वर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल एट रिलेटिवली लो कॉस्ट. मोरओवर, शेयर प्रोग्राम्स ऑन ए नेटवर्क अलाउज फॉर इजियर अपग्रेडिंग फॉर ऑफ प्रोग्राम. यानी कि उसमें शेयर्ड प्रोग्राम जो होते हैं नेटवर्क, वो हम उसमें उसकी अपग्रेडिंग भी, अपग्रेडिंग जो होती है प्रोग्राम की, वो भी आसानी से हो सकती है. तो उसमें इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक ही जो कॉमन उनका होगा उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा. कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, ये भी फ़ायदा है कि नेटवर्क जो होंगे उसमें कंप्यूटर सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, यूजर्स जो होंगे सभी वो साथ में जुड़े हुए होंगे. वंस दे आर कनेक्टेड इट इज़ पॉसिबल फॉर द यूज़र टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जब भी जितने भी कंप्यूटर उसमें आपस में नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो वो उसमें अपनी कम्युनिकेशन करके उसको जोड़ सकते हैं. यूज़र कैन कम्युनिकेट efficiently and easily by mails, video conferencing, instant messaging और WhatsApp. वैसे इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सारा जो कम्युनिकेशन का है वो जुड़ सकते हैं. और सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, तो उसमें हम मैनेज कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन वन कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाई ऑल अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दैट कंप्यूटर. एक ही कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए जितने भी बाकी कंप्यूटर होंगे वो सभी एक कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो बाकी सारे जो कंप्यूटर होंगे वो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम एनर्जी जो होगी हमारी नहीं लगेगी अलग अलग कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर को दोबारा लोड करने से. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इन अ नेटवर्क 20 यूज़र्स वांट टू वर्क विद ऑरेकल, देन इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग ऑरेकल ऑन ईच कंप्यूटर, ऑरेकल कोई प्रोग्राम है तो उसको अगर सभी कंप्यूटर पे अलग अलग डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक भी होगा इंस्टॉल होगा और बाकी सारे कंप्यूटर उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसका आधा ही आप मैंने आपको कराया, बाकी के पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. ओके, थैंक यू.